चलिए हम लोग चालू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो जब मुझे जिस समय देख रहा है, जहां से भी देख रहा है। सो अब हम लोग चालू करेंगे अप्रैल 21 का पेपर, ठीक है। सो अप्रैल 21 CM2, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो वाला हमारे सिलेबस से हट चुका है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। पोर्टफोलियो थ्योरी का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर मार्केट देर आर टू एसेट्स ए एंड बी फॉर विच द एनुअलाइज रेट्स ऑफ रिटर्न हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए बी दे दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेल्थ एक्स ए इन एसेट ए, एक्स बी इन एसेट बी, बी इज रिस्क फ्री, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो दे दिया है। स्टेट द फॉर्मुला फॉर द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इन दिस मार्केट सो दैट द एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर दिस इन्वेस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फिर थर्ड एसेट का तो अपने कर ही लेंगे, ठीक है। आइए, सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग को मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क के बारे में बोला है, ठीक है, विच इज ईएम माइनस आर बाय सिग्मा एम, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। सो दिस इज 10% माइनस 5% बाय 20%, सो दिस इज 0.25। सो एफिशिएंट फ्रंटियर के लिए क्या होगा, अपने को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी अपना 1 है, सो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। सो ईपी क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू 10% प्लस एक्स बी इंटू 5%। ठीक है, सो बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.1 एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स ए 0.05। खाली पोर्टफोलियो में एक ही कंपोनेंट रिस्की है, तो सिग्मा पी इज रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर इंटू 20% का स्क्वायर, सो दिस इज 0.2 एक्स ए। सो हम लोग क्या बनाते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग वाई बेसिकली रिटर्न है, वाई मेरा रिटर्न है और एक्स जो है वो मेरा क्या है, सिग्मा है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं, ईपी ईपी इज इक्वल टू, सो अपना जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट क्या है, दिस इज रिस्क फ्री। सो 0.05 प्लस 0.05 बाय 0.2 इंटू सिग्मा पी, ये मेरा स्लोप हो गया, ये मेरा स्लोप हो गया, ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया। सो दिस इज 0.05 प्लस 0.25 सिग्मा पी। कैसे हो रहा है ध्यान से समझना, हम लोग को बोला है सो दैट द एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर दिस इन्वेस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सो बेसिकली मैंने बनाया कैसे है इसको, ये ध्यान देना, सो ये बनता कैसे है, ये वाला स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप मेरा निकलेगा अपने जो बनाए थे ना यहां पर, ये जो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क जो बनाए थे, ये रहा,
सो 10 माइनस 5 बाय 0.2 हम लोग बना सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से, y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. सो बेसिकली 10 माइनस 5 बाय जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, राइट, जो हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 और 0, ठीक है. तो यहां पर बेसिकली लोग ऐसे ही निकाला है, और रिटर्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, अच्छा एक्चुअली दो पॉइंट है बेसिकली, एक्चुअल में देयर आर टू पॉइंट्स. सो एक पॉइंट अपना हो गया, एक जो पॉइंट है वो अपना हो गया 20.10, और एक जो पॉइंट है वो अपना हो गया 0.5, ठीक है. सो अब देखो, ये अपना हो गया x1, y1, और ये अपना हो गया x2, y2. सो अपने क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1 है ना, या फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2. तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 10 माइनस 5 बाय y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2. सो 20 माइनस 0 सब परसेंटेज में है, ठीक है. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज y1, सो 0.1 माइनस 0.05 होल डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0. तो यहां से आ रहा है 0.05 बाय, समझ गया ना, टू पॉइंट फॉर्म है. सो दो एसेट था, सो दो पॉइंट मिल गया, उससे अपन स्लोप निकाल लिए. एंड ये क्या है, y इंटरसेप्ट, बेसिकली लाइन चालू कहां से हो रहा है, ठीक है. और इसमें क्या होता है ना कि हम लोग x एक्सिस में मापते हैं सिग्मा, और y एक्सिस में मापते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है. तो ये अपना हो गया. इसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है, इसके बाद में दो पॉइंट अपने को दे दिया है. सो अब डालो, अब जैसे दूसरे वाले में अपन क्या करेंगे, हम लोग को डालना पड़ेगा. आप सिग्मा का वैल्यू डालो, सो व्हेन सिग्मा इज 0, तो मेरा ईपी क्या आ रहा है, ईपी मेरा आ जाएगा 0.05, एंड व्हेन सिग्मा पी इज मेरा 0.1, ईपी मेरा आएगा 0.075, ठीक है ना. ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि ये एफिशिएंट फ्रंटियर को, एफिशिएंट फ्रंटियर ये पॉइंट से पास हो रहा है. अ थर्ड एसेट सी बिकम्स अवेलेबल, इट हैज एनुअलाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 6% एंड एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10%, ठीक है. इट इज अनकोरिलेटेड विद एसेट्स ए एंड बी, सो दैट द न्यू एफिशिएंट फ्रंटियर पास थ्रू द पॉइंट दिस. सो अगेन अपने पास एक रिस्क फ्री एसेट है 0.05, ठीक है. अब अपने को मार्केट पोर्टफोलियो,
अब हिंट दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, हिंट द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क फॉर अ पोर्टफोलियो इन्वॉल्विंग ओनली एसेट्स ए एंड सी इज मैक्सिमाइज व्हेन, एक्स ए दिया हुआ है और एक्स सी दिया हुआ है। सो एक्स ए, एक्स ए अपने को दिया हुआ है 5/9, एक्स सी अपने को दिया हुआ है 4/9। तो ये डेटा को यूज करके अपने निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में दो ही एसेट है। सो 5/9 इंटू 10% प्लस 4/9 इंटू 6%, फिर उसके बाद में सिग्मा स्क्वायर एम, सो दिस इज अनकोरिलेटेड है। सो 5/9 वेट स्क्वायर इंटू 20% स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर इंटू 10% स्क्वायर, तो सिग्मा एम आ जाएगा। न्यू मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, सो ई एम माइनस आर बाय सिग्मा एम, सो ये अपना आ जाएगा 0.2693। जस्ट अभी जो निकाले ना ई एम और सिग्मा एम, तो ई एम अपना आएगा 8.222% और सिग्मा एम अपना आएगा 11.97%। अब नया इक्वेशन फ्रंटियर बनाइए, सो ईपी मेरा क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 0.2693 सिग्मा पी, अरे सिग्मा के संग में तुम्हारा मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क आ रहा है, एक्चुअल मीट्स इट्स सिग्मा एम माइनस जीरो। ठीक है, इसके बाद में आप देखो सिग्मा पी जब है 0.1, सो ईपी का वैल्यू मेरा आ रहा है 0.05 प्लस 0.2693 इंटू 0.1, तो ये कितना आ रहा है ईपी 0.0769। ठीक है, इसी में मेरे को लगता है एक और क्वेश्चन है जो पोर्टफोलियो थ्योरी से लिंक्ड अप है, अगेन बिहेवियरल बायस नहीं है तो 7 भी नहीं है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था, एक 7 भी नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 भी पोर्टफोलियो थ्योरी से ही है ना, बस और नहीं है मेरे को लगता है। नहीं है तो 3 नंबर क्वेश्चन ही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, पोर्टफोलियो थ्योरी में चैप्टर्स 1-4 में आप मिस्टेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड अ मिस्टेक, क्योंकि दीज आर दी इजी पार्ट्स, रन ऑफ, रूइन थ्योरी, तो ये सब एकदम इजी इजी पार्ट्स है जहां पर आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हो। टू एसेट्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, एसेट ए रिटर्न्स, सो ए में क्या है 2x%, वेयर एक्स इज बाइनोमियल, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6.04, बी रिटर्न्स 1.5y%, वाई मेरा क्या है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल 3.2, 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट द फॉलोइंग सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द एसेट्स द वेरिएंस शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी बिलो अ रिटर्न ऑफ 3%, एन इन्वेस्टर विद अ क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन विशेष टू इन्वेस्ट इन आइदर एसेट ए और एसेट बी, कौन सा एसेट चूज करेगा, द इन्वेस्टर इज नाउ कंसिडरिंग वेदर टू स्प्लिट देयर इन्वेस्टमेंट बिटवीन बोथ एसेट्स, एक्सप्लेन वेदर द इन्वेस्टर मे डिसाइड टू स्प्लिट द इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस,
इफ द एसेट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ द एसेट्स एग्जिबिट सम पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, इसको देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो ये ना एक्चुअल में बहुत इजी, ऐसा टाइप का हमने किया भी है, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं। सो अपने को वेरियंस निकालने बोला, शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। सो वेरियंस ए का क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरियंस ऑफ 2x%। सो दिस इज 4 वेरियंस ऑफ एक्स परसेंट। सो सो 4 इंटू परसेंट यहां पर नहीं होगा, परसेंटेज स्क्वायर होगा, तो ठीक है 4 इंटू 6 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ये कितना आ रहा है, मैंने ये जो आ रहा है ना, दिस इज परसेंटेज स्क्वायर। 1% मतलब क्या, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज स्क्वायर मतलब क्या, डिवाइड 1/100 का स्क्वायर। तो ये मेरा आएगा 5.76% स्क्वायर। ठीक है, अब वेरियंस ऑफ 1.5y%, तो दिस इज 1.5% का स्क्वायर इंटू y का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। सो दिस इज 9% स्क्वायर। शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी बिलो 3%, सो प्रोबेबिलिटी 2x% इज लेस देन 3। सो दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1.5। सो 1.5 मतलब क्या, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 6c0, 0.4 टू द पावर 0, 0.6 टू द पावर 6 प्लस 6c1, 0.4 टू द पावर 1, 0.6 टू द पावर 5। इसके बाद में एसेट बी का प्रोबेबिलिटी 1.5 वाई परसेंट इज लेस देन 3%, सो वाई इज लेस देन 2, सो प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन 2 माइनस 3.2 था ना, हाँ 3.2 था, 2 माइनस 3.2 बाय 2। सो दिस इज 5 ऑफ माइनस 0.6। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को बोलता है क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन, तो ए में इन्वेस्ट करे कि बी में। सो हम लोग को वेरिएंस निकाल लिया, अब दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो अपने निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x%, सो 2 इंटू 6 इंटू 0.4%, फिर निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1.5y%, सो दिस इज 1.5 इंटू 3.2%, तो दोनों का कितना आ रहा है 4.8%, और ये भी आ रहा है 4.8%, तो दोनों का मीन सेम है, तो जिसका वेरिएंस कम होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन में अपने क्या देखते हैं, वेरिएंस देखते हैं, अगर दोनों का मीन सेम है तो वेरिएंस देखेंगे, राइट। गिवन दैट बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर द सेम, स्प्लिटिंग द इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न, द प्रेफर्ड एसेट विल देयरफॉर बी द वन विद द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क, देयरफॉर द इन्वेस्टर विल वॉन्ट टू मिनिमाइज द वेरियंस ऑफ द रिटर्न्स एंड हेंस चूज एसेट ए। The investor's choice of the quadratic utility function shows that their risk preferences can be described fully by looking at only the first two moments of the returns. Therefore, the variance risk measure fully describes the investor's attitude towards risk. Ab independent assets ya fir positively correlated assets. If the returns on the assets are independent, then there is the opportunity to reduce the overall level of risk within the portfolio by splitting the allocation. So, मतलब अगर इंडिपेंडेंट एसेट्स है तो मतलब क्या है, कोवेरियंस जीरो है, राइट, सो रिस्क कम होगा।
Therefore, the investor will want to invest partially in each asset. Positively correlated assets, splitting the investment between implies that short selling is not allowed. In this case, the overall variance will be greater than if the asset returns were independent. The variance can still be less than that of either asset A or B on their own. So, splitting the investment is still preferable. If short positions are allowed, then positively correlated returns can most certainly lead to a reduction in the overall level of risk. So, basically, शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है. सो बोलता है शॉर्ट सेलिंग अगर अलाउड होता तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाता, राइट. बट स्टिल अगर अभी भी हम लोग करते हैं तो भी हम लोग का ओवरऑल जो है पोर्टफोलियो वेरिएंस वो कम होगा. ठीक है ना. और अगर बेसिकली इंडिपेंडेंट है तब तो करना ही चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली दोनों ही केसेस में करना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट में फायदा ज्यादा मिलेगा. ठीक है. एक थ्योरी क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं. जिस क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बेसिक चेन लैडर मेथड एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड चेन लैडर मेथड. So, ये सब लोग रीड कर लेना यार, मतलब इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊंगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. एक बार फिर भी मैं रीड कर लेता हूं. बोथ मेथड्स आर बेस्ड ऑन द सेम एजम्पशन दैट पेमेंट्स फ्रॉम ईच एक्सीडेंट ईयर विल बी डेवलप इन द सेम वे और इन इफेक्ट द सेम डेवलपमेंट फैक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग क्लेम्स For each accident year. Changes in the rate at which claims emerge can only be incorporated by adjusting those development factors. Both methods assume that the first year is fully runoff. ठीक है. Both methods assume that the first year is fully runoff. Differences में क्या बोलता है, The basic chain ladder method assumes that weighted average past inflation will be repeated in the future. The inflation adjusted approach does not do this and instead modifies historic claims to be consistent with one another. जो अपने past inflation के लिए adjust करते हैं फिर अपने future inflation के लिए accommodate करते हैं. It does this with the use of historic inflation rates which are a key input to the model. However, the method does not automatically allow for future inflation. And this is normally given as an input for inflation adjusted chain ladder. Automatically नहीं होता, future के लिए भी हम लोगों को करना पड़ता है. Discuss when it may be appropriate to use the inflation adjusted chain ladder method. The advantages of inflation adjusted chain ladder are its ability to make all history consistent in real terms. Basically जो भी हमारा current वो रहता है उस prices पे हम लोग सबको लेके आते हैं. ठीक है ना. The advantage is, ये ठीक है, this will be most useful when inflation has historically been large, so that the adjustment will be bigger. For example, if inflation has historically been 0.5% for several years, and is expected to stay at that rate for foreseeable future, there may be very little reason to use inflation adjusted chain ladder over basic chain ladder. ठीक है, अगर consistent है inflation, तो basic chain ladder ही use कर लो, और अगर कम है inflation तो, अगर ज्यादा है तो यूज करो. डिस्कस पॉसिबल रीजंस व्हाई नाइदर मेथड मे बी अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग रन ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. बोथ मेथड्स अज्यूम दैट ऑल इयर्स बिहेव एंड डेवलप आइडेंटिकली सो दे शुड नॉट बी यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर दिस इज लेस लाइकली टू बी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस एंटिटी हैज चेंज्ड फ्रॉम स्टार्टअप टू मेजर मार्केट प्लेयर और वन ईयर एक्सपीरियंस्ड पर्टिकुलरली सीवियर क्लेम्स ड्यू टू अ कैटास्ट्रोफ. क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस एंटिटी हैज चेंज्ड फ्रॉम स्टार्टअप टू अ मेजर मार्केट प्लेयर और वन ईयर एक्सपीरियंस्ड पर्टिकुलरली सीवियर क्लेम्स ड्यू टू कैटास्ट्रोफ. मतलब ऑल ईयर्स बिहेव एंड डेवलप आइडेंटिकली. अगर ऐसा नहीं है तो यूज मत कीजिए, बोलने का मतलब ये है सिंपली. ठीक है. तो ये रीड कर